नमस्ते। आज मैं आपको चावल की खिचड़ी बनानी सिखा रही हूँ। देखिए, मैंने कुकर में तेल डाल दिया है थोड़ा सा, और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा, और इसमें हम थोड़ा सा अपना जीरा डालते हैं। ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है इसमें, और गैस हमने चला दी है। और ये प्याज और मिर्च मैंने पहले ही काट लिया था, और चावल को अच्छे से धो के साफ कर लिया था पहले ही मैंने। और जैसे ही हमारा जीरा चटकने लग जाता है, देखिए जैसे जीरा चटकने लग जाएगा, और तो मैं अपने प्याज और मिर्च इसमें डाल देती हूँ कुकर में, और इसको ऐसे करके फ्राई करते हैं। जैसे ही मिर्च और प्याज फ्राई होने लग जाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, अपनी अपने आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो इसमें। मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ। नमक डालने से ऐसा है कि ये प्याज जल्दी भुन जाता है हमारा, ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी भुन जाता है। देखिए भून रहा है हमारा, आपको ऐसे इसको भूनना है, अच्छे से भून जाए। इसमें चावल में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। चावल में हमने पानी डाल लिया है, जैसे ये भुनने लग जाएगा तो इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालेंगे, इसमें हम मैं मसाला कोई नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे उसमें सिंपल टाइप में बना रही हूँ। ठीक है, आप मसाले भी डाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन मैं मसाले नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। मुझे सिंपल कढ़ी चाहिए, नहीं सिंपल खिचड़ी चाहिए, तो ये चावल मैं अपने इसमें डाल रही हूँ। और पानी और डाल दिया है मैंने, देखिए इसलिए ये मैंने डाल दिया। अब चम्मच की सहायता से आप इसे चला देना ऐसे, ताकि मसाला हमारा नमक वमक अच्छे से मिल जाए। आप इसको हमें 3 सीटी आने तक पकाना है। कुकर का हम लगा देते हैं ढक्कन, और 3 सीटी तक हम इसको पकाएंगे। 3 सीटी तक कुकर में मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब 3 सीटी आने तक, और गैस को कर दिया है फुल, और 3 सीटी आने तक हमको इसको पकाना है। जब 3री सीटी आएगी तो हम देखेंगे हमारी खिचड़ी चावल की तैयार हो गई है कि नहीं हो गई है। आपको बस 3 सीटी लगानी है, 3 सीटी में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए 3 सीटी लग गई हैं कुकर में, और खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया खिचड़ी बनी है।
इसमें आप पानी थोड़ा ज्यादा डालें तभी ये मतलब खिचड़ी पतली पतली मतलब तो पतली का मतलब ढीली ढीली बनेगी और तभी ये अच्छी लगती है। सूखी अच्छी नहीं लगती, खिचड़ी हमेशा पतली अच्छी लगती। अब हम इसे परोसते हैं, देखिए कितनी अच्छी बन गई। देखिए देखिए देखिए, ये चावल की खिचड़ी है हमारी। गर्मियों में खाइए बना के, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरी डिश आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती जाए। थैंक यू।